हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफ़ा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे एक्सरसाइज 3.4। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 3.3, और वहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 में हमने जो मेथड यूज़ किया था वो मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक्सरसाइज 3.4 में जो शुरू होगा वो मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों ही मेथड से हमें सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करना है, फिर उसी क्वेश्चन को या उसी पार्ट को मैं कहूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें सॉल्व करना है, दोनों ही सॉल्यूशन हमें दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर नहीं लिया है कोई, सीधे हम लोग एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से ही समझेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 इक्वल टू 4, सॉरी है ना, 4 दिया हुआ है इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन है हमारे पास वहाँ पर, क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो दो वेरिएबल्स दोनों इक्वेशन में हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को हमें सेम करना होता है, इक्वल करना होता है ना। एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है 2x, तो या तो इस एक्स को 2x बनाओ, है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम y को भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर है माइनस 3y और यहाँ पर है y, तो इसको 3y बनाओ। सबसे पहला क्या कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को, दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उसमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशियंट दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएं, या फिर ये कहें कि कोई x की टर्म्स या y की टर्म्स सेम हो जाएं, है ना, y की टर्म्स या x की टर्म्स सेम हो जाएं। तो यहाँ पर इसके लिए हाँ, हम लोग इसको देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम y को सेम करेंगे। तो y को सेम करने के लिए क्या करो, यहाँ पर 3y, अगर हम यहाँ 3y करना चाहें तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग, या मैं कहूँ फर्स्ट में, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए किसी भी इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 या फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई, और क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह मैंने बताई कि हमें क्या करना होता है कि किसी एक टर्म को वेरिएबल वाला, है ना, वाई को आप सेम कर लीजिए या फिर आप एक्स को भी सेम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वाई को ही करें, एक्स को भी हम लोग सेम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वाई को करा है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 में। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, 3 × 5 = 15, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब जिस टर्म को आपने सेम कराया उस टर्म के साइन देखो, है ना, उस टर्म के साइन देखो। देखिए यहाँ पे साइन है माइनस और यहाँ पे साइन है प्लस, तो साइन अगर अलग अलग है, अपोजिट साइन है दोनों, प्लस माइनस साइन है ना, अगर साइन अलग अलग है, एक से साइन नहीं है, लाइक साइन नहीं है, अनलाइक साइन है अगर, है ना, माइनस प्लस, तो फिर क्या करो, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, और साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, है ना, साइन सेम है तो फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन अलग अलग है तो ऐड कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, किसी में से किसी भी, देखिए ऐड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना, सब्ट्रैक्ट करने, किसी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अभी सब्ट्रैक्शन वाला भी हम लोग करेंगे। अभी इसमें सिचुएशन ऐसी बन रही है कि हमें ऐड करना पड़ रहा है, तो ऐड कर देते हैं,
तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और ये आ जाएगी हमारी 3x प्लस 3y इक्वल टू 50। अब हमने क्या करा, ऐड करा है, तो ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होगा, जैसे साइन है वैसे ही साइन रखो। अब ये दोनों मतलब यहाँ पे ऐड का साइन अगर लगाना चाहो लगा दो, 2 एंड 3 5x हो जाएगा, ठीक है, दोनों प्लस के हैं दोनों ऐड हो जाएंगे, सम हो जाएगा 5x। ये देखिए 3y प्लस में 3y माइनस में, तो 3y में से 3y गया 0 बचा, तो ये कैंसिल हो गया, 0 बचेगा यहाँ पर। अब ये 15 एंड 4 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। अब 5x इक्वल टू 19, तो x इक्वल टू 5 या मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड ले जाते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 19/5। x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। अब ये x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में कर दीजिए, सेकंड में कर दीजिए, थर्ड में कर दीजिए, फर्स्ट हमें ज़्यादा आसान लग रही है तो फर्स्ट में कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पर एक्स की जगह पे, सॉरी एक्स की जगह पे क्या लिखना है हमें, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब 19/5 यहाँ पे प्लस कर रहा है, राइट हैंड ले जाते हैं, माइनस करेगा वहाँ पहुँच के, तो यहीं पे इसको कर लेते हैं, तो वाई इक्वल टू 5 माइनस 19/5, या नीचे 1 एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 5, 5 5 ज़ा 25, 1 मल्टीप्लाई करेगा 19 से तो 19 ही रहेगा, 25 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो घटा दो इसको, कितना बचेगा यहाँ पे, 6/5। तो y आ गया हमारे पास 6/5, x हमारे पास आया 19/5, y हमारे पास आया 6/5। ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ये है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या हमने बताया, सबसे पहले क्या स्टेप हमें करना है कि किसी भी एक टर्म को, जो वेरिएबल की टर्म्स हो दोनों इक्वेशन में, सेम करना है। y को सेम कर रहे हो आप, y के कोफिशियंट को सेम कर रहे हो तो y को करो, अगर आप x के कोफिशियंट को सेम कर रहे हो, x को सेम करना चाह रहे हो आप, है ना, तो x को करो। और करने का तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। चलिए ज़्यादातर मोस्टली हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, जो टर्म्स आपने सेम करी हैं दोनों इक्वेशन में, उस टर्म्स के साइन देखो, अगर साइन अलग अलग हैं तो ऐड करना है, अगर साइन अलग अलग नहीं हैं, एक से हैं, दोनों जगह प्लस है या दोनों जगह माइनस है, तो फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी आएगा क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट करके भी हम देखेंगे। अब ये तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से हो गया कंप्लीट। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमें इसी पर लगाना है और देखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर बदल तो नहीं जाता है, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर वही आएगा, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया था एलिमिनेशन मेथड, लिख सकते हैं आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड, और अब हम करने जा रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चन को। और सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे आप कर चुके हो एक्सरसाइज 3.3 में, तो ये फर्स्ट पार्ट ही है हमारे पास, दोनों इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1, और 2x-3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 या सेकंड कह देते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से को हम x की टर्म्स में लिखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x को हम छोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड, y को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी आपकी, क्लियर। अब ये x की जो वैल्यू आई वो इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम रख देंगे, तो ये इसको कहते हैं सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम इसको, है ना, तो हम इसको लिखेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में 2x-3y इक्वल टू 4 ये है सेकेंड, तो 2x की जगह पे
फाइव माइनस वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर। टू अंदर मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, टू फाइव द टेन माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर। टेन को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई माइनस फाइव वाई इक्वल टू फोर माइनस टेन हो जाएगा। इधर आके इधर प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में, राइट हैंड साइड आया माइनस, तो माइनस फाइव वाई इक्वल टू माइनस सिक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, फोर माइनस टेन इक्वल टू माइनस सिक्स, तो वाई इक्वल टू सिक्स अपॉन फाइव, वाई इक्वल टू सिक्स अपॉन फाइव। और देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड से भी वाई इक्वल टू सिक्स अपॉन फाइव, सब्सिट्यूशन मेथड से भी वाई इक्वल टू सिक्स अपॉन फाइव। अब इस वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड में, वैसे किसी में भी कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू फाइव माइनस वाई, तो एक्स इक्वल टू फाइव माइनस वाई की वैल्यू सिक्स अपॉन फाइव। अब यहाँ पर वन लगा लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया फाइव। अब देखिए फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव माइनस वन सिक्स, तो एक्स इक्वल टू नाइनटीन अपॉन फाइव। तो देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू नाइनटीन अपॉन फाइव और वाई इक्वल टू आया सिक्स अपॉन फाइव। और देखिए दोनों ही तरीके, दोनों ही मेथड हमें सेम आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था तरीका एलिमिनेशन मेथड और ये था तरीका सब्सटीट्यूशन मेथड। जल्दी से नोट करिए, फिर इसको करते हैं रफ और चलते हैं अपने सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन रहेगा। पहले एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, फिर करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर वन। फिर 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4y है और यहाँ पर है 2y, यहाँ पर है 4y, यहाँ पर है 2y। ये नीचे वाले को हम लोग 4y बना सकते हैं, है ना, इसको हम लोग 4y बना सकते हैं। क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस वाली इक्वेशन में, तो सिंपली हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2 टू ज़ा 4x माइनस फोर वाई इक्वल टू 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 ज़ा फोर, इक्वेशन नंबर थ्री बनी। अब ये जो इक्वेशन नंबर थ्री है और ये इक्वेशन नंबर वन, टू का काम तो हो गया, टू तो थ्री में चेंज हो गई। तो इसको देखो, साइन देखो, अब यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, साइन कैसा है, अलग अलग, साइन कैसा है, अलग अलग। तो क्या करें, ऐड कर दो, फिर क्या करो, ऐड कर दो। तो चलो ऐड करते हैं, तो ऐड इक्वेशन थ्री एंड फोर। तो यहाँ पर थ्री हमारे पास, सॉरी फोर नहीं, फोर तो अभी है नहीं, फोर नहीं वन, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री हमारे पास है फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर, और नेक्स्ट वन थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू टेन ऐड करना है, साइन ऐड कर लगा दो यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर एंड थ्री कितना हो जाएगा, सेवन एक्स, ये माइनस का फोर वाई, ये प्लस का फोर वाई कैंसिल हो गया, जीरो आ जाएगा ये, और यहाँ पर ये आ जाएगा 14। तो x इक्वल टू सेवन, यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड ले जाएंगे, इसको डिवाइड करेगा उधर जाके सेवन, सॉरी, तो सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, एक्स इक्वल टू टू आ गया, x इक्वल टू टू। अब ये x की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो, है ना, फर्स्ट में कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3x की वैल्यू 2 आई है यहाँ पर, प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 टू ज़ा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 को उधर ले जाते हैं राइट हैंड,
तो ये 4y = 10 - 6, तो 4y = 4, तो y = 4/4। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 4 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा, 4 1 4 4 1 4, तो y = आ गया 1। तो x = आया 2, y = आया 1। ये हमारा आंसर हो गया एलिमिनेशन मेथड का। अब जो है, सॉरी, अब इसके बाद, आफ्टर दैट, आफ्टर देन, तो एलिमिनेशन मेथड हो चुका, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कहा गया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कम से कम आपको अपने आप करना चाहिए, सेकेंड पार्ट को ये करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। पहले अपने आप करने की कोशिश करिए, नहीं होता है फिर वीडियो देखिए। तो चलिए सेकेंड पार्ट क्या है, इक्वेशन 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर है 3x + 4y = 10। इस 4y को यहाँ ले जाएंगे राइट हैंड, तो 3x = 10 - 4y, एक्स को यहीं छोड़ेंगे, तो 10 - 4y/3, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, और सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे सेकेंड में, ठीक है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, तो 2x की जगह पे ये लिख देना है, 3 - 2y = 2, ये हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 20 - 4 2 8y / 3, -2y/1 लगा लो यहाँ पे, 2 एलसीएम ले लो, कितना हो गया 3। देखिए 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 3 इधर करेगा तो -3 2 6y इक्वल टू 2। 3 यहाँ डिवीजन में है, इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई, ये 20 है, तो 20 - 8y और -6y हो गया -14y, और 3 इधर पहुँचा तो 3 2 6 हो गया। 20 को भी इधर ले जाओ तो -14y = 6 - 20। अब देखिए यहाँ से -14y = -14, 6 - 20 - 14, माइनस से ये माइनस कैंसिल, 14 को हम राइट हैंड ले जाएंगे, तो वाई रह जाएगा इधर, y = 14/14, कैंसिल हुआ, 1 आया, तो y = 1 आया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी y = 1 आ रहा है, और एलिमिनेशन मेथड से भी y = 1 आ रहा था, ठीक है। तो चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड ये है, x = 10 - 4, y की वैल्यू 1/3, तो x = 10 - 4/3, ये हो जाएगा x = 6/3, 3 1 3, 3 2 6, तो x = 2, तो x = 2 y = 1, ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर चलते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट पे, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो थर्ड पार्ट है हमारा ये, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के लिए, एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए इक्वेशन क्या है, 3x - 5y - 4 = 0, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये लिखा है 9x = 2y + 7 = अच्छा 2 = लग चुका है, सॉरी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसे थोड़ा सा चेंज करें, तो इन दोनों टर्म्स को इधर ही ले आए एक्स की तरफ, तो ये हो जाएगा 9x - 2y - 7 = 0, इसको कह देते हैं थर्ड। अब 2 का काम खत्म, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 और 3 से काम करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन में क्या होता है, वाई एक्स की टर्म्स जो भी हैं दोनों इक्वेशन में उन्हें सेम करना है। तो यहाँ पर हो रहा है कुछ, देखिए इसे 5 नहीं कर सकते और इसे 2 नहीं कर सकते, इसे 3 को 9 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 को 9 कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3 × 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3 × 3 = 9x माइनस 3 × 5 = 15y 3 × 4 = 12 = 0, इसको कहेंगे हम 4। अब देखिए यहाँ से 2 का काम, 2 की जगह ले ली थी 3 ने और 1 की जगह ले ली है अब 4 ने, तो 1 का काम भी ख़त्म। अब काम चलेगा हमारा 3 से और 4 से। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स तो हो गए सेम, साइन देखो, साइन 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 प्लस प्लस सेम साइन है, तो क्या कहा था हमने, सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो किसी को भी किसी में से कर दो, ऐसा नहीं है कि 4 में से 3 करो या 3 में से 4 करो, ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 से हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 ये है तो 4 पहले लिखेंगे, जिससे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो पहले लिखेंगे, −12 = 0। फिर जो सब्ट्रैक्ट जिसे करना है वो लिखेंगे, 9x माइनस 2y −7 = 0, 3 को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है फ्रॉम 4 से। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में कहानी है क्या है, जो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब यहाँ माइनस का साइन हम लगाएंगे तो ये सारे साइन अंदर के बदलेंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है, और ये यहाँ पे सबसे पहले माइनस, तो ये माइनस का हो गया अब और ये प्लस का हो गया, तो प्लस में से ये घटेगा तो 0 आ जाएगा। ये +2 है ये −15y है, ये +2y ये −15y, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो −13y −13y। अच्छा ये यहाँ पे प्लस में है और −12 है, तो यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि देखिए 7 में से 12 तो जाएंगे नहीं, 12 में से 7 घटा दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो −5, और यहाँ तो 0। अब −5 को इधर ले जाएंगे तो −13y = 5, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 5 = 5, तो y को यहीं छोड़ेंगे और 5 इसको ले जाएंगे इधर, डिवाइड करेगा −13, ठीक है, तो ये आ गई y की वैल्यू, −5/13 लिखो इसको, हम ये भी लिख सकते हैं y = −5/13, माइनस का साइन नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब ये y की वैल्यू आप रख दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, है ना, किसी में भी फर्स्ट में रख देते हैं, तो पुटिंग, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे 3x - 5y, y की जगह पे ये लिख देते हैं −15/13, और यहाँ पर फिर आ रहा है −4 = 0, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो 3x ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +5/5 = 25/13 −4 = 0, तो 3x, इस 4 को भी इधर ले जाइए इसको भी उधर ले जाइए, तो 4 इधर जाके प्लस और ये यहाँ पे जाके माइनस, 4 के नीचे 1 लगाएंगे तो 3x = 13, एलसीएम 13 × 4 = 52, −1 25 से मल्टीप्लाई करेगा 25, ठीक है, तो 3x = कितना बना, यहाँ 12 में से 5 गया 7 और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, 13/27/13। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये डिवीजन में जाएगा, तो अपॉन में 13 × 3 आ गया, 3 × 9 = 27, तो x = 9/13, तो x = 9/13 और y = −5/13, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड का आंसर, ठीक है। अब
क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करो, है ना। तो आप लोग खुद से कोशिश करो सब्स्टिट्यूशन से कम, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं अब इन्हीं दो इक्वेशंस पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है ये, एलिमिनेशन से थर्ड पार्ट का है सॉल्यूशन। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 3x-5y-4=0, है ना। और दूसरा 9x=2y+7, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे थोड़ा सा जो है सेम, जैसे कि हमने एलिमिनेशन किया था, इन दोनों पार्ट को इधर ले आते हैं। तो ये 9x-2y-7=0, इसको बना लिया हमने 3। ठीक, अब ये सेकंड का काम ख़त्म। अब यहाँ से फर्स्ट को उठा लीजिए आप, है ना, एक्स की टर्म्स में लिखेंगे उसको। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से या वन से 3x-5y-4=0, ठीक है। इन दोनों को ही उधर ले जाते हैं, तो 3x=5y+ का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा इधर राइट हैंड जाके। तो x=, अब ले जाते हैं 3 को राइट हैंड साइड, तो डिवाइड करेगा इधर आगे, इसको हम कहेंगे 4। अब हमारा काम किस किस का रह गया, हमारा काम इसका, हमने इससे बनाया था, इसका ख़त्म हो गया, अब इसका रह गया और इसका रह गया, है ना। तो ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे या सब्सिट्यूट कर देंगे, सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। यहाँ भाई वैल्यू रख दो, तो 9x की जगह पे 5y+4/3-2y-7=0। 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ बचा 3, ये नीचे का 3 ख़त्म। 3 5 15y+3 4 12-2y-7=0। अब देखिए यहाँ से ये आपका 15y-2y 13y, अच्छा ये 7 को उधर ले चलो प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले चलो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी वाई रहेगा, है ना। तो 7-12 13y=-5, तो y=-5/13, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, -5/13, एलिमिनेशन में क्या आ रही थी, -5/13, ठीक है। अब ये जो वाई की वैल्यू है, तेज तो नहीं हो रहा है ज़्यादा, है ना, वाई की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे हम थर्ड में। तो वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड, तो x=5, वाई की वैल्यू पुट करो -5/13, ये वाई की वैल्यू रख दी हमने थर्ड में, +4/3। अब ये क्या बनेगा, x=5 5 25 -25/13 +4/1, और इसके अपॉन में 3 चल रहा है फिर, ठीक है। चलो पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 13 LCM, इसको इधर लाएंगे -20 25, है ना, 13 4 52, अपॉन में 3 भी चल रहा है। तो एक्स के 52 माइनस 25, तो 52 माइनस 25, तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 बचा, और यहाँ पे रह गया 4 में से 2 गया, तो 2 27/13, और डिवाइड बाई फिर से 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3/1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, है ना। देखो ऐसा करो, इसको समझ लो, यानी 3 नीचे 1 मान लो, है ना। तो आपको पता है नीचे वाला यहाँ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है, और ये ऊपर वाला या नीचे वाले से मल्टीप्लाई करता है, तो ये हो जाएगा 27/13 × 3, 3 9 27, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 9/13, y की वैल्यू क्या आ रही थी, -5/13। एलिमिनेशन में चेक कर लें आंसर, दोनों जगह सही आना, दोनों जगह सेम आना चाहिए, दोनों जगह सेम आना, ये एलिमिनेशन इधर वाला, ये सब्स्टिट्यूशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि मतलब पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है, इसे नोट करिए जल्दी से, फिर चलते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पे। चलिए रफ कर दिया जाए, रफ कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स
इसका पार्ट फोर करने जा रहे हैं हम लोग। तो फोर्थ पार्ट में ये थ्री है यहाँ पर नीचे, है ना। तो दोनों इक्वेशन लिखते हैं, पहले एक्स अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस वन। तो इसको पहले सिंपल कर लो ज़रा यहाँ पर, फिर सेकंड लिखेंगे, फिर उसको सिंपल करने के बाद फर्स्ट कहेंगे। टू थ्री ज़ा सिक्स एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा थ्री एक्स, ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर वाई इक्वल टू माइनस वन। अब ये सिक्स यहाँ डिवीज़न में, इसको इधर ले जाएंगे तो थ्री एक्स प्लस फोर वाई, ये सिक्स इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा माइनस सिक्स, इक्वेशन नंबर वन कहते हैं, है ना। ऐसे समझ में आती है इक्वेशन हमें। चलो अब दूसरी इक्वेशन के लिए, फिर एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री, इसके नीचे वन मान लें, एलसीएम ले लेंगे थ्री, थ्री एक्स हो जाएगा इधर आके, माइनस वाई रहेगा। इस थ्री को इधर पहुंचा दो तो थ्री एक्स माइनस वाई, थ्री थ्री इधर नाइन, इक्वेशन नंबर टू अब सही है। अब देखो क्या कर सकते हो आप, यहाँ फोर वाई है, यहाँ खाली वाई है, तो इसे फोर वाई बना लें। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई फोर इन इक्वेशन टू, तो इसको मैं फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर से कर दीजिए। फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एक्स माइनस फोर वाई, फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स, इक्वेशन नंबर थ्री। टू का काम ख़त्म। अब देखो साइन देखो, साइन देखो, प्लस माइनस, साइन अलग अलग है, क्या करें ऐड कर दो, क्या करें ऐड कर दो वन एंड थ्री को, ऐड इक्वेशन वन एंड थ्री, वन एंड थ्री। तो ऐड करो, ऐड वन लिखो पहले, इक्वेशन नंबर वन, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस सिक्स, फिर थ्री लिखो, ट्वेल्व एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू थर्टी सिक्स। ऐड करने के लिए साइन प्लस का, कोई साइन चेंज नहीं बाकी के, माइनस में चेंज होते हैं, ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस माइनस में, ये हो जाएगा फिफ्टीन एक्स। लेकिन यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में है, थर्टी सिक्स में से सिक्स गया थर्टी, तो एक्स इक्वल टू थर्टी, फिफ्टीन को इधर लाएंगे राइट हैंड, फिफ्टीन टू जो थर्टी डिवाइड करेगा इधर आके, आंसर आ गया एक्स का टू। अब ये जो एक्स की वैल्यू है पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर वन में, कर दो आप इक्वेशन नंबर टू में, कर दो थ्री में, कर दो वन में, कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस सिक्स, तो यहाँ पर थ्री एक्स की जगह पे टू प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस सिक्स। टू थ्री से कितना हो जाएगा सिक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस सिक्स, इस सिक्स को इधर ले जाएंगे राइट हैंड, तो फोर वाई इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस सिक्स, तो फोर वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, तो वाई इक्वल टू फोर को राइट हैंड ले जाएंगे तो डिवीजन में जाएगा, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो वाई इक्वल टू माइनस थ्री, तो वाई इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल टू कितना आया था टू। ये एलिमिनेशन मेथड का आंसर आ गया। अब क्योंकि कहा गया है जैसा कि हमसे सब्सटीट्यूशन मेथड से भी करना है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं यहाँ से, सब्सटीट्यूशन मेथड है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए दोनों से मैंने कराया है इसलिए कि आपकी आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना। तो x अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन में थ्री इक्वल टू माइनस वन, ये था ना पहला। तो इसको हमने क्या बना लिया था, यहीं से बिल्कुल सेम ऐसे यहीं से लिख देंगे, इसको हमने बना लिया था थ्री एक्स प्लस फोर वाई, क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं इक्वेशन नंबर वन। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है x माइनस वाई अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री, और इसको हमने बना लिया था ये थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन, इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, तो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन है ये, तो वाई को उधर ले जाओ, तो थ्री एक्स इक्वल टू नाइन माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई, ये माइनस में उधर जाके प्लस, तो एक्स इक्वल टू नाइन प्लस वाई अपॉन में थ्री। अब ये मिल गई हमें थर्ड इक्वेशन या तीसरी इक्वेशन। तो इस एक्स की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दो आप
इस एक्स की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दो फर्स्ट में, ठीक है। तो सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x की जगह पे 9 प्लस वाई अपॉन में 3, फिर प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 9 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 6, 9 को राइट हैंड और y एंड 4y 5y, तो 6 माइनस 9, तो y इक्वल टू माइनस, हाँ अब देखिए 6 में से 9 तो कटेगा, तो 9 में से 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर y एंड 4y, तो यहाँ पे हो रही है प्रॉब्लम, y की वैल्यू माइनस 3, यहाँ पे तो जो है ये इक्वेशन नंबर देखिए 3x प्लस 4y माइनस 6 हमने इसको लिख लिया था, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये थी 3x, इसको दूसरी इक्वेशन ये थी, इसको हमने जो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 लिख लिया था, ठीक है। फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ना इसको हम इधर ले गए, प्लस वाई हो गया यहाँ पे 3x, तो ये x यहाँ पे जाके ये डिवाइड, तो इसको हमने सब्सिट्यूट कर दिया फर्स्ट में, तो 3x की जगह पे ये लिख दिया, फिर प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचे 9 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस 6 है सॉरी ये, है ना। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आई, क्या आई, माइनस 6 था, अच्छा ये माइनस 6 था, अब ये माइनस 6 ही है, और ये 9 जब इधर आया तो माइनस 9 आएगा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 15, ठीक है। अब ये जो माइनस 15, अब ये माइनस 15 हो गया, अब ये वाई एक को यहीं छोड़ो, 5 को इधर ले जाओ, तो माइनस 15 अपॉन 5, तो 5 थ्री ज़ा 15 माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y इक्वल टू माइनस 3। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या आ रही है, एलिमिनेशन में माइनस 3 आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है ना। अब ये पुटिंग, अच्छा इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड यहाँ पे जो हमने बनाई, ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इक्वल टू 9 प्लस y की जगह पे माइनस 3 अपॉन में 3, तो x इक्वल टू 9 माइनस 3 अपॉन में 3, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 अपॉन में 3, 3 टू से 6, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3। तो सेम सब्सिट्यूशन मेथड में भी वही आंसर मिले हमें चारों क्वेश्चंस के अंदर, चारों पार्ट्स के अंदर, और जो एलिमिनेशन मेथड में हमें आंसर मिले। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि चार पार्ट थे, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स। तो विश यू ऑल द बेस्ट।